गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारे सामने खड़ी है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स और आज हम इस गाड़ी के बारे में जो डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अब मैं अगर स्टार्ट करूँ इसके वेरिएंट से, तो ये आपका रहने वाला है सिग्मा वेरिएंट, यानी कि बेस वेरिएंट है ये हमारे सामने खड़ा हुआ व्हाइट कलर में। इससे पहले मैंने अपने चैनल पर जो है डेल्टा प्लस और बेस वेरियंट का एक और जिसमें एक्सेसरीज लगी हुई थी वो वाला मैंने अपने रिव्यू डाला हुआ है, आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। आई बटन में ऊपर की साइड आपको दिख जाएगा, वहाँ से आप जाकर उसे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम इस गाड़ी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक है, इसके अंदर कोई भी एक्सेसरीज नहीं लगाई गई है, तो इस गाड़ी के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करता हूँ पहले मैं इसके आगे के लुक से। तो कुछ इस तरीके से आपको आगे के लुक्स देखने को मिलता है। भाई पहली बात जो मैंने देखा कि इसकी जो हाइट है ना, आगे से जो इसका बोनेट है, मतलब अंदर से बैठ के पूरा बोनेट देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको जो है लिफ्ट करा गया बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये मान लीजिए विटारा के बराबर इसको लिफ्ट कर दिया गया कहीं ना कहीं। आगे की साइड से आपको देखते ही पहले लगेगा कि विटारा, क्योंकि इसकी जो लुक्स है वो बिल्कुल रिजेंबल करता है आपके विटारा, ग्रैंड विटारा से, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसमें, आपको यहाँ पे कहीं भी DRL का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे इंडिकेटर रहने वाले हैं, यहाँ पे पायलट लाइट और यहाँ पे आपको हेलोजन में यहाँ पे प्रोजेक्टर देखने को मिलेगा। एक बार मैं लाइट्स ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। पहली बात तो इसके अंदर कुछ इस तरीके के आपको कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, मैंने ऑन कर दिया। यहाँ पे मैंने इसके हैजार्ड्स ऑन कर दिए, तो आप देखिए आगे से कुछ इस तरीके के आपको यहाँ पे आगे के लुक्स देखने को मिलेंगे। ये देखिए, ठीक है, इंडिकेटर्स आपके यहाँ पे हेलोजन रहने वाले, हेलोजन सब कुछ आपका हेलोजन रहने वाला, कुछ इस तरीके के इसके आगे के लुक्स हो जाते हैं। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इतनी बड़ी यहाँ पे आपको जो है क्रोम की ग्रिल देखने को मिलेगी, सुजुकी का लोगो, यहाँ पे टोइंग हुक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। फ्रॉन्क्स की जगह पे यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट आ जाएगी, नीचे की साइड आपको सिल्वर में स्किड प्लेट देखने को मिल जाती है, टोइंग हुक का ऑप्शन आपका वहाँ पर है। अच्छी खासी यहाँ पे आपको स्पेसिंग देखने को मिलेगी रेडिएटर ब्रीदिंग के लिए। ऊपर की साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे रूफ रेल्स, ब्लैक कलर की रूफ रेल्स देखने को मिलेंगे। ऊपर की साइड आपको शार्क फिन एंटीना देखने को मिलेगा, ब्लैक कलर के आपके ORVMs रहने वाले, बेस वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर के ORVMs देखने को मिल जाते हैं। इंडिकेटर की प्लेसमेंट आपकी यहाँ पे फेंडर पे रहने वाली है। क्लैडिंग की बात करें तो कुछ इस तरीके से क्लैडिंग आपको जाती हुई दिख जाएगी। अब मैं बात करता हूँ इसमें कुछ स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ पे जो आपका ORVM है वो ब्लैक रहने वाला है। आपका ये चीज़ डोर हैंडल्स भी आपको यहाँ पे जो है बेस वेरिएंट में ब्लैक देखने को मिलेंगे। इसमें कोई भी किट विट नहीं लगी है, कोई भी आपको क्रोम की बीडिंग इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। और बात करें तो यहाँ पे आपको जो है दो हार्ड वाइपर्स देखने को मिलेंगे कुछ इस तरीके से, और दो वॉशर फ्लूइड का आपको यहाँ पे आउटलेट्स देखने को मिल जाते हैं। और बात करते हैं तो पीछे नीचे की साइड देखेंगे तो इस गाड़ी की जो लेंथ है वो रहने वाली है आपकी 3995 mm, यानी कि 3995 mm की जो है इस गाड़ी की लेंथ रहने वाली है। वहीं अगर मैं इसके टायर साइज़ की बात करूँ तो इसमें मिलेगा आपको 16 इंच का टायर, और अगर मैं उसके सेक्शन की बात करूँ तो वो आपको देखने को मिलेगा इसमें, ये देखिए 195/60R16, 16 इंच का टायर, गुड़ियर का टायर आपको देखने को मिलेगा। ये जो है आपका एक इसमें आपको ये गाड़ी के साथ ही आपको यहाँ पे व्हील कवर्स देखने को मिलेंगे सुजुकी की ग्रे से कलर के। अगर मैं गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ ना तो इसमें आपको देखने को मिलेगी 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, 190 mm की इसमें आपको जो है ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब व्हील बेस की बात करें तो 2520 mm का जो है यहाँ पे आपको व्हील बेस देखने को मिलता है। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये जो प्लेटफॉर्म है शेयर किया गया आपकी इसकी बहन बलिनो से। अब पीछे की लुक्स की बात करें ना, यहाँ पर लुक्स जो है पीछे के बहुत अलग कर दिए गए। ये देखिए LED की यहाँ पे आपको लाइट देखने को मिलेगी, LED इंडिकेटर्स और LED में आपको यहाँ पे रिवर्स लाइट देखने को मिलेगी। कनेक्टिंग लाइट का सर इसमें सिस्टम देखने को मिलता है, लेकिन ये जो है ग्लो नहीं करती है, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पे सुजुकी का लोगो देखने को मिलेगा, रियर डिफॉगर देखने को मिलेगा बेस वेरिएंट में, हाई माउंटेड स्टॉपिंग लैंप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इल्यूमिनेशन की बात करें तो ब्लू कलर का इल्यूमिनेशन आपको यहाँ पे जो है नंबर प्लेट के लिए देखने को मिलेगा। फ्रॉन्क्स की बैजिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है कुछ इस तरीके से। अगर अंदर की बात करें 318 लीटर का यहाँ पे आपको जो है पूरा अच्छा खासा बूट स्पेस देखने को मिलता है। 60-40 स्प्लिट वाली आपको यहाँ पे सीट्स देखने को मिलेंगे। पीछे की साइड आपको कोई भी यहाँ पे वो देखने को नहीं मिलेगा बूट लैंप। अगर मैं इसके स्पेयर टायर की बात करूँ तो यहाँ पे स्पेयर टायर भी आपका जो है 16 इंच का देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं 195/60R16 16 इंच का टायर जो कि आपका स्टील रिम रहने वाला है। यहाँ पे आपको ग्रैब करने के लिए हैंडल देखने को मिलेगा और इलेक्ट्रिकल रिलीज टेलगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। दूसरी तरफ आते हैं, उससे दूसरी तरफ आने से पहले यहाँ पे एक बार आप चेक करें तो यहाँ पे आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिलेंगे, सिल्वर कलर की स्किड प्लेट देखने को मिलेगी। ये जो वेरिएंट है ना, मतलब इस गाड़ी में एक चीज़ कंपनी ने बहुत अच्छी करी है कि पीछे के लुक्स जो हैं वो हर वेरिएंट में आपको सेम मिलेंगे। टॉप मॉडल हो तो उसमें आपका जो है वाइपर बढ़ जाएगा, लेकिन पीछे आपको कुछ भी ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे फ्यूल कैप, और फ्यूल कैप के अंदर आपको स्टिकर देखने को मिलेगा E20 का। E20 फ्यूल जो है आप इस गाड़ी में डाल के चला सकते हैं, और 37 लीटर इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी रहने वाली है। फिर यहाँ पे आप क्लैडिंग देखिए, कुछ इस तरह की क्लैडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह का कुछ यहाँ पे पार्ट सा दे रखा है मोर सेफ्टी देने के लिए, ठीक है। ब्लैक कलर के डोर हैंडल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ब्लैक कलर का यहाँ पे ORVM देखने को मिलेगा, और यहाँ पे इंडिकेटर की प्लेसमेंट। अब बात करते हैं इसके इंजन बे की, तो इसमें मिलता है आपको 1200 cc का 4 सिलेंडर वाला VVT इंजन,
जो कि आपकी प्रोड्यूस करता है 89 bhp और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो आपको मैं एक बार हुड खोल के दिखाता हूँ कुछ किस तरह का आपको यहाँ पे इंजन देखने को मिलेगा। ये जो इंजन है आपका मोस्टली सारी गाड़ियों में यूज़ करता है आपका मारुति, बलिनो में भी आपका यही इंजन है, उसके बाद बात करते हैं XL6 में भी यही इंजन है। और इस तरह का आपको इंजन देखने को मिलेगा, 4 सिलेंडर वाला, 89 bhp प्रोड्यूस करता है और देता है आपका 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ABS प्रेशर वहाँ पर देखने को मिलेगा, बैटरी की प्लेसमेंट आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी, बहुत ही क्लीन नीट एकदम यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। इसमें वैसे भी बहुत कम वाइब्रेशन होती है, उसके बाद यहाँ पे अगर आपको इस तरह से इंसुलेशन देखने को मिल जाए तो सोने पे सुहागा आपको कह सकते हैं इस बात को। प्रॉपर थड़ के साथ एकदम बंद हो चुका है। अब चलते गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी के अंदर जाने के लिए चाबी चाहिए होगी, तो इनकी मारुति की वही अपनी 1900 दशक की जो चाबी है वो है मेरे हाथ में। अब एक बार लॉक करके देखते हैं। इसमें से आपको जो है टुक टुक वाला सायरन देखने को नहीं मिलता है, एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं, देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता। ये देखिए मैं लॉक करा, नहीं कोई इसमें आपको वो टुक टुक वाला सायरन नहीं मिलेगा। ठीक है, अंदर की साइड बात करें तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इंटीरियर देखने को मिलेगा वाइन कलर का। इसको टुक टुक को भी बंद कर देते हैं। यहाँ पे आपको वाइन कलर का यहाँ पे डोर देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पे मैट ब्लैक फिनिश में सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, बॉटल होल्डर का ऑप्शन, मैगजीन का होल्डर का ऑप्शन, यहाँ पे ब्लैक कलर का ही डोर नॉब देखने को मिलेगा, वाइन कलर का पूरा ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा। सीट पे भी आपको जो है वाइन का ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा ब्लैक कलर के साथ, फैब्रिक की सीट्स रहने वाली है, रियर हगिंग सीट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं है, मैनुअल एडजस्टमेंट वाली पूरी सीट रहने वाली है। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन देखने को मिलेगा, आइडल स्टार्ट स्टॉप, हेडलाइट लेवल एडजस्टर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब लगाते हैं चाबी को, तो यहाँ पे इस तरीके से चाबी लग जाएगी। ठीक है, ABC पेडल की बात करें तो कुछ इस तरीके से आपके ABC पेडल रहने वाले हैं। ठीक है, रेड पेडल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब अंदर बैठे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको जो अपने वो देखने को मिलेंगे एसी वेंट्स के अराउंड आपको यहाँ पे कार्बन की फिनिश देखने को मिलेगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब आप बैठते ही सबसे पहले एक चीज़ देखेंगे कि ये जो आपको मीटर है वो बहुत ही ज़्यादा रिजेंबल करता हुआ देखने को मिल जाता है हर गाड़ी में, मतलब ये ब्रेजा में भी देखने को मिलेगा, बलिनो में भी देखने को मिलेगा, जो कि बेस वेरिएंट्स में आपको देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके का। ठीक है, अब बात करें स्टेयरिंग व्हील की, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलता है, फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील विद यहाँ पे आपको जो है मैट ब्लैक फिनिश के साथ देखने को मिलेगा, कोई भी स्टेयरिंग पे माउंटिंग्स नहीं है, सुजुकी का लोगो, एयरबैग की बैजिंग, दो एयरबैग्स आपको यहाँ पे इस वेरिएंट पे देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ इसकी MID की तो कुछ इस तरीके की MID देखने को मिलती है, और यहाँ पे टैकोमीटर देखने को मिलेगा, स्पीडोमीटर देखने को मिलेगा, वार्निंग्स में पूरे उसमें आपको फैली हुई देखने को मिल जाती है। बात करें इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा रियल टाइम एवरेज, उसके बाद एवरेज, और उसके बाद रेंज, और यहाँ पे फिर से एवरेज का, और कुछ इस तरीके का पूरा आपको इसका MID देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डिजिटल फ्यूल मीटर, यहाँ पे देखने को मिलेगा डिजिटल टेम्परेचर मीटर, यहाँ पे टैकोमीटर, ये आपका स्पीडोमीटर। ठीक है, यहाँ से आप ट्रिप पे ट्रिप भी देख सकते हैं। वाइपर के कंट्रोल्स, हेडलाइट यूनिट के कंट्रोल्स, उसके बाद स्टेयरिंग में बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा टिल्ट, टेलीस्कोपिक का आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। डे एंड नाइट वाला यहाँ पे आपको IRVM देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा सनशेड दूसरी तरफ भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको मिरर नहीं मिलेगा। यहाँ पे बेस वेरिएंट है, कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, कुछ इस तरीके से का रहने वाला है। यहाँ पे देखने को मिलेगा कार्बन ब्लैक की फिनिश, इंडिकेटर की प्लेसमेंट, हैजार्ड लाइट के कंट्रोल्स। बेस वेरिएंट में भी आपको जो है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाला AC देखने को मिल जाता है। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे स्पेस देखने को मिल जाएगा, दो कप होल्डर का ऑप्शन, 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन रहने वाला है। इसमें बात करें तो रिवर्स गियर पे आपको जो है सेंसर देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से, देखिए आप पीछे की साइड आपको एनिमेशन देखने को मिलेगी, मैनुअल हैंड ब्रेक देखने को मिलेगी कुछ इस तरीके से, और थोड़ा सा स्पेस आपको यहाँ पे कॉइंस के लिए देखने को मिल जाएगा। बात करें इधर की साइड तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से, ग्लव बॉक्स जो है आपका कूल्ड नहीं रहने वाला है। ग्रैब हैंडल्स आपको इस तरफ देखने को मिलेंगे, दूसरी तरफ आपको ग्रैब हैंडल्स देखने को नहीं मिलेंगे। आप एक बार आगे से इस साइड से, मतलब ये आप ड्राइवर का व्यू देखिए, तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपको जो पूरा आगे का हुड दिख रहा होगा, देख रहे हैं, तो यहाँ से आप मान लीजिए आपको जो पूरा हुड दिखता है, विजिबल होता है। अगर आपको हाइट, आपकी हाइट ठीक ठाक है ना, तो आपको पूरा जो है हुड विजिबल होगा। अब चलते हैं पिछली सीट पे एक बार चेक करते हैं आपको इसमें कैसा सीटिंग का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। पीछे की साइड आते हैं तो यहाँ पे आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे, चारों डोर्स में आपको पावर विंडोज देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे सॉफ्ट टच देखने को मिलता है, थोड़ा सा वाइन कलर का ट्रीटमेंट आपको देखने को मिलेगा, स्पीकर की प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगी, और इस वेरिएंट में भी आपको जो है स्पेस देखने को मिलेगा नीचे की साइड। ये देखिए यहाँ पे आपको स्पेस इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, बॉटल होल्डर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, मैगजीन होल्डर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके बाद बात करूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का पूरा इसका इंटीरियर रहने वाला है।
तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलेंगे। बेस वेरिएंट में भी आपको तीनों पीछे की साइड हेडरेस्ट देखने को मिल रहा है, उसके बाद वो भी एडजस्टेबल। तीनों के लिए स्पेसिफिक आपको यहाँ पे सीट बेल्ट देखने को मिलेंगी। सेंटर में आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद अगर गाड़ी के अंदर बैठूँ तो स्पेस की बात करें तो अच्छा खासा यहाँ पे आपको स्पेस देखने को मिल जाता है, ठीक है। और अगर बात करूँ सेंटर में तो यहाँ पे आपको कोई भी एसी का वेंट नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देखने को मिलेगा, एक मिलेगा आपको चार्जिंग सॉकेट कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा नीचे की साइड स्पेस देखने को मिल जाता है। ऊपर आपको एक कैबिन लाइट बीच में देखने को मिलेगी कुछ इस तरीके की, ठीक है। और पीछे की कुछ इस तरह के लुक्स हो जाते हैं। अब बात करते हैं गाड़ी की प्राइसिंग की, तो इसकी एक्स शोरूम और ऑन रोड कॉस्ट क्या रहने वाली है। करें इस गाड़ी की प्राइसिंग की, तो इसकी जो एक्स शोरूम कॉस्ट है वो रखी गई है आपकी 7,40,000 रुपये, लगभग 7.5 लाख रुपये जो इसकी एक्स शोरूम है। वहीं अगर मैं इसकी ऑन रोड कॉस्ट की बात करूँ तो मैं भी हूँ आपका आगरा में मधुसूदन नेक्सा पे, तो यहाँ पे ये ऑन रोड कॉस्ट करती है आपकी 8,86,000 रुपये, 8,86,000 रुपीज़ है इसकी ऑन रोड कॉस्ट है आगरा में यूपी में। तो कैसी लगी गाड़ी, कैसी लगी मेरी वीडियो, आप लोगों को कमेंट्स में बता सकते हैं। और जाने से पहले एक बार इसके पीछे के लुक दोबारा से चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि पीछे से जो है गाड़ी बहुत ही अच्छी लगती है देखने में। देखिए कुछ इस तरीके की आपको एलईडी लाइट्स देखने को मिलती है इस तरह से। कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई गाड़ी के साथ। अगर आपको ऐसी कार रिलेटेड रिव्यूज देखने हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई गाड़ी के साथ।